फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इफ द थर्ड एंड द नाइंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, यानी कि ए 3 दिया हुआ है आपका 4 और ए 9 दिया हुआ आपका -8, ठीक है, रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो बोल रहा है एपी में वो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया, उसमें चेक करना था। अब इसमें क्या करना है, पूछ रहा है कि जीरो कौन सा टर्म में आएगा, यानी कि एन कितना होने पे जो नंबर है वो जीरो आ रहा आपका। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले जो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए थर्ड टर्म दिया हुआ यानी कि ए 3 दिया हुआ आपके पास कितना है, 4 है। तो ए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद 9 टर्म दिया हुआ यानी कि ए 9 इज इक्वल टू दिया हुआ -8, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ओके, हम लोग क्या करते हैं यहां से a या तो फिर d जो भी निकल रहा हो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली हम लोग क्या होगा, a निकल जाएगा, सॉरी d निकल जाएगा। जब d निकलेगा तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखिए यहां पे है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, यहां पे है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। ये देखिए ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा, -6d। यहां देखिए ये माइनस में है, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस में ये भी प्लस में क्या हो जाएगा, 12। ओके, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 12 -6, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -2, यानी कि d कितना आया आपका है, -2 आया है। ओके, अब अगर d पता चल गया तो आप a निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप d को पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 into -2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू हो गया 8। तो a कितना निकल रहा है बच्चों, 8 निकल रहा है, बात समझे। d आपको पता चल चुका है -2, a पता चल चुका है 8। अब आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा टर्म ap का 0 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे रफ करेंगे और देखेंगे फिर आगे किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो nth टर्म है ap का वो 0 आ रहा है ना। लेट nth टर्म ऑफ एन ap इज 0, ठीक है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू 0 है। ओके, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको ये एन निकालना है। ओके, तो ए एन क्या है हमारा, 0 है। अगर एन इंटीजर में आया तो इसका मतलब होगा और नहीं आया तो नहीं होगा। वैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया है विस्टर, यानी कि एन आपका इंटीजर ही होने वाला। ओके, अगर चेक करने बोलता तो हम लोग देख लेते हैं वहां पे इंटीजर है या फिर इंटीजर नहीं आ रहा। तो यहां पे a कितना हमारे पास दिया हुआ है, 8, n आपको निकालना है, d कितना आपके पास है, -2। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 -2n और +2, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 -2n, यानी कि -10 इज इक्वल टू -2n, ठीक है। अब यहां पे बोलिएगा -10 upon -2 इज इक्वल टू n, कैंसिल हो गया 5 बार, यानी कि n कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि आप बोलिएगा पांचवा टर्म 0 होगा, यानी कि a 5 अगर निकालिएगा तो वो टर्म क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बच्चों, देखा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां से a और d को फाइंड किया, उसके बाद 0 बोल रहा था किस टर्म में आ रहा है, यानी कि ए एन 0 आना चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, ए एन इज इक्वल टू 0 कर लिए। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाए, एन निकालना था, एन हम लोग सॉल्व किए क्योंकि ए और डी पता चल चुका था, तो एन हमारा क्लियरली निकल गया है।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डॉट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा क्लास 10th का जितना भी मैथ्स का सिलेबस है सारा आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।